नमस्कार, न्यूज 11 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। आप सभी ने कई सारे पुल देखे होंगे जिसे देखकर आप इंजीनियरिंग को सलाम करते होंगे। इन सब की मजबूती और डिजाइन देख सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन यहां एक पुल ऐसा है जिसकी तारीफ आपको करनी पड़ जाएगी। जो है आमतौर से आप जिस पुल से गुजरते हैं इंजीनियरिंग की दृष्टि से काफी बेहतर, मजबूत और सुरक्षित होता है, लेकिन सभी पुल ऐसे नहीं होते। ऐसे कुछ जगह होते हैं जहां किसी तरह की पुल को बनाना नामुमकिन है। जिस पुल की हम बात कर रहे हैं वो काफी ऊंचाई पर बना है और इसके नीचे उफनती हुई नदी बहती है, लेकिन इन सब के बीच भी लोग कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेते हैं। क्या खास है और अलग है इस पुल के बारे में, आइए जानते हैं। साउथ अमेरिका में पेरू के किस्को इलाके में नदी पर एक ऐसा पुल है जिसकी हर साल मरम्मत की जाती है, और घास की बनी रस्सियों से पुराने पुल की जगह एक नया पुल का निर्माण किया जाता है जिसे इंका रोप ब्रिज कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसे इंका साम्राज्य के दौरान रास्ते और पुलों को बनाने के लिए तकनीक इस्तेमाल की जाती थी। मोटी रस्सियों के सहारे हवा में लटके इस पुल को हाथ से बुना जाता है और पिछले 600 साल से ये लोगों के आने जाने का साधन बना हुआ है। इनको नेटवर्क का एक हिस्सा इनका साम्राज्य के शहरों और कस्बों को जोड़ता है। यूनेस्को ने इसे 2013 में विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया था। पुराने पुल की जगह नए पुल बनाने की परंपरा सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जिसे दोनों तरफ के युवा इकट्ठे होकर घास से रस्सियां बनाते हैं और पुल की एक तरह से बुनाई करते हैं। परंपरा के अनुसार पुल को बनाने में सिर्फ मर्द ही हिस्सा लेते हैं, महिलाएं नदी के दोनों ओर ऊंची जगह पर बैठकर छोटी छोटी रस्सियां बुनती हैं। काम के पहले दिन सभी मर्द पुराने पुल के पास इकट्ठा होते हैं और छोटी छोटी रस्सियों से बड़े रस्सियां बनाते हैं। मुख्य पुल 6 बार रस्सियों से बनता है। इन रस्सियों की मोटाई 1 फुट तक होती है, जिन्हें पतली पतली 120 रस्सियों से मिलाकर बनाई जाती है। इसके लिए एक स्थानीय मजबूत घास जिसे कोया इचू के नाम से जाना जाता है का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें सबसे पहले पत्थरों से पीटा जाता है और फिर पानी में भिगो दिया जाता है ताकि ये मुलायम हो जाए और बुनने में आसानी हो। इस सामूहिक काम के लिए सार्वजनिक रूप से नाश्ते और खाने का प्रबंध किया जाता है। नया पुल बन जाने के बाद पुराने पुल की रस्सियां काट दी जाती है और वो नदी में गिर जाता है, जहां वो समय के साथ नष्ट हो जाता है। 6 बड़ी रस्सियों में से 4 रस्सियां पुल के फर्श का काम करती हैं और अन्य 2 हाथ के सहारे के लिए होती है। इन सभी रस्सियों को नदी के दोनों तरफ भारी पत्थरों से मजबूती के साथ बांध दिया जाता है। तीसरे दिन इन मुख्य रस्सियों पर पतली रस्सियों से संघन बंधाई की जाती है, और इस काम के लिए चंद्र दक्ष ग्रामीण आगे आते हैं जिन्हें ऊंचाई का डर नहीं होता। इस तरह हाथ के सहारे की रस्सियों और फर्श की रस्सियों के बीच एक बड़ी बंदी की जाती है ताकि लोग सुरक्षित होकर गुजर सके। पुल बनाने की प्रक्रिया में कोई भी आधुनिक सामान, उपकरण या मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बस घास और इंसान की ताकत की जरूरत होती है। पुल को साल भर में 1 बार बनाया जाता है और 4थे दिन खाने और संगीत के कार्यक्रम के साथ उत्सव मनाया जाता है, जो कि आमतौर पर जून के 2रे रविवार को पड़ता है। तो ऐसे ही रोमांचक जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। न्यूज 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।